सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वॉचिंग जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 बाउल बेसन। ये देखिए, जो बाउल आपके घर में रेगुलर बाउल है उसके नाप से ले लीजिए। 3 बाउल हो गए हैं मेरे। अभी 1 बाउल घी लेंगे, गरम करके ले लीजिए। आप गैस मीडियम फ्लेम पे ऑन रखिए और इसे मीडियम टू लो पर आप इसे कुक करिए। गैस बिल्कुल स्लो आंच पे रखिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं कार्डिमम ऐड कर रही हूँ, इलायची 8 से 10 इलायची का पाउडर ऐड कीजिए। देखिए, दूसरे साइड पर मैं आधा कटोरी रवा सेक रही हूँ, सूजी जिसे हम सूजी भी कहते हैं। इसमें भी 1 टेबलस्पून घी डालिए और इसे भी सिम आंच पर सेकिए। ठीक तरह से इसे भी चलाते रहिए। ये देखिए, ये गोल्डन हो चुका है सूजी। अभी हम इस सूजी को बेसन में मिक्स कर देंगे। गैस एकदम स्लो रखिए बेसन की और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। देन मैं 1 बाउल शक्कर का भूरा डाल रही हूँ। ये शॉप में अवेलेबल होता है शक्कर का भूरा। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये धीरे धीरे घी इसका सूखना शुरू हो जाएगा और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम लिया है और चिरौंजी दाने। आप अपने पसंद के कोई से भी ले सकते हैं। ये देखिए, बेसन सूखना शुरू हो गया। और अगर आपको लगता है कि बेसन घी बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन सेक के डाल दीजिए। अब इसके गोल गोल पेड़े बनाइए और उसे राउंड शेप दे करके इसे लड्डू का शेप दीजिए। उससे बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसमें देसी घी डला हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने ये लड्डू बनाए। ऐसे ही आप सारे बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।